और राइट गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, मेरी न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ या कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो वही बात ये है कि मतलब लास्ट जो आपने मैं स्क्रीन पर डाला हूँ ना, ये मतलब लुक एट दिस, आई डिडेंट एक्सपेक्टेड कि मेरे वीडियोस पे 100 व्यू भी आ सकते। मतलब मेरे एवरेज के हिसाब से 50 या 60 व्यू आते थे, बट लुक एट दिस, मतलब हर एक वीडियो पे इट्स कमिंग 100+ व्यूज एंड आई डिडेंट एक्सपेक्टेड दैट ये पॉसिबल होगा। मतलब मुझे नहीं लगा अभी पॉसिबल होगा, पर धीरे धीरे पॉसिबल हो रहा है। एंड ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है, बिकॉज इट्स गिविंग मी यू नो एक अलग ही फॉर्म देता है, एक अलग सी खुशी, एक अलग सी एनर्जेटिक मोटिवेशन होता हूँ मैं कि देख, पीपल आर सीइंग मी एंड दे आर लाइकिंग मी एंड दे आर व्यूइंग मी एंड गिविंग सम रिस्पॉन्स। सो इस पर्पज पे आई एम टू मच हैप्पी। सो कोई नहीं, सो ही है, बट मेरे लिए बहुत है, मैं खुश हूँ। एंड द सेकेंड थिंग आई वॉन्ट से दैट आज थोड़ा मूड्स यू नो मूड्स क्या सर, थोड़ा सा यू नो मूड भी मेरा अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है बाद में बताऊँगा, शायद नहीं बता पाऊँ, भूल जाऊँगा, बट हिंट दे दूँ तो एक फैमिली के ऊपर है। सो मैं एक फोकस था, तो यू नो बता सका तो बता दूँगा, नहीं तो आज अपना छाती का दिन है, छाती मार दो बस। ऊपर पंखे तक और ले जाओ, ऊपर और ऊपर जान दे, जान दे ऊपर और अब नीचे नीचे अंदर बस बस हाँ। जैसे कि मैं पहले भी बोला था कि चेस्ट और बैक के लिए यू नो मशीन चाहिए होता है, थोड़ा सा यू नो और ऐसी चीज़ें चाहिए होती है जो अपने ट्रेन कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें मेरे पास है नहीं, तो इसलिए यू नो पुशअप मार मार के वो ट्रेन अच्छे से हो जाते, उसके साथ लगे हाथ अपने शोल्डर बाइसेप ऐसे वो भी ट्रेन हो जाते हैं, नहीं चाहिए होते तो भी ट्रेन हो जाते हैं। सो आई लाइक दैट, पुशअप मारने से अपने खुद का वेट ही वोट उठाने से खुद का ही काम निकल जाता है, सो ये अच्छा है। सो इसलिए मैंने पुशअप मारे, सो पुशअप भी 3 सेट मारे 30-30 के, एंड अब जो जो डंबल से मैं मार सकता हूँ 3, 4 या 5 सेट वो मारते। सो आज चेस्ट डे भी कम्प्लीटेड एंड आज इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लास्ट जो गया वो वीक था उसमें मैंने 2 सेट मारे थे, वो आज सेट नहीं मारे, आपने नोट किया होगा तो। एंड वो क्यों नहीं मारे, क्योंकि हर वीकली मैं ऐसे जो सेट्स होते हैं उसको चेंज करता हूँ मैं, एंड जैसे लोअर अपर मिडल जैसे होते हैं ना वैसे। सो जैसे आज कल जो मारा गया उस वीक में जो चेस्ट मारा था उसमें जो सेम नहीं मारा, तो इसमें भी मैंने सेम नहीं मारा। सो जब वापस नेक्स्ट वीक में जो चेस्ट आएगा उसमें भी मैं सेम नहीं मारने वाला, ठीक है। सो ये तो आपको पता चलता रहेगा, शोल्डर दुख रहा है, ट्राइसेप दुख रहा है, बाइसेप भी दुख रहा है, एवरीथिंग इज पेनिंग। सो बस, एंड जो एक मैंने बात बोली थी आज मूड ऑफ, उसके ऊपर बात करूँगा मैं कल। कल बैक डे है एंड उसके बाद लेग डे है, फोरम भी बताना है, बात भी मेरे को करनी है, सब करेंगे। अभी एक दिन हुआ है, बस मिलते हैं। आज भी सनसेट हो रहा है, दिखा दो, देखो एक मिनट को बैक कैमरा करता हूँ। तो आज भी सनसेट होते हुए दिख तो रहा है, बट अभी थोड़ा सा यू नो टाइम है, अभी आधा एक घंटा लगता है मेरे को सनसेट में बाकी है। सो मैं ये बोल रहा था एक सेकेंड, हाँ तो मैं ये सोचा था ये टाइम लैप्स लेते हैं, मैं आपको दिखाऊँ, बट आई कांट बिकॉज यहाँ पे रखने की जगह नहीं है और एक से फुटेज बराबर आएगा नहीं, सो इट्स नॉट गुड टू टेक टाइम लैप्स, बट आई विल ट्राई सम अनदर डे दैट आई विल शुड टेक टाइम लैप्स ऑफ दिस सनसेट। मैं थक गया, कुछ नहीं बोल पा रहा अभी, मिलते आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, टक। सो ऑलरेडी आज डे 16 एंड आज भी मैं बहुत ज़्यादा ही लेजी फील कर रहा हूँ, बिकॉज इतनी गर्मी है एंड बोलना एकदम आलस आ रहा है, एकदम लो फील कर रहा हूँ, एकदम ऐसा फील हो रहा है। सो मैंने सोचा ये आलस के चक्कर में वर्कआउट कैंसिल नहीं करने वाला, कैसे भी करके वर्कआउट करूँगा तो आलस दूर होगा एंड यू नो थोड़ा सा अच्छा फील होगा। पता नहीं क्यों क्या फील हो रहा है, मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रहा है,
बौखला गया, एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो एक और बात है, ये बात ये है कि मैं दिवाली पे कहीं जाने वाला हूँ, तो उस पर भी अच्छे खासे ब्लॉग बनाने वाला हूँ मैं, बट अभी तक कंफर्म नहीं है, शायद शायद। ठीक है, सो बस, और फोरम की एक्सरसाइज आज अच्छे से नहीं करूँगा मैं, कल सैटरडे लेट के टाइम फोरम की आपको अच्छे से बता दूँगा। सो अभी तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तीन सेटा कंप्लीटेड है ना, पता नहीं है क्या हो रहा है मुझे, तो मैं एक बोलते ना एक एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी आई नहीं रही, मतलब मैं कैसे तैसे करके 20 24 30 मार तो रहा हूँ, बट बोलते ना ये फील हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है, क्योंकि मैंने खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, रेस्ट भी ले लिया, फिर भी क्यों, अब तो मुझे लगता है ये वेदर के चक्कर में ही हो रहा है, वेदर इतना गर्म है और इतना बोलते ना एक अलग ही है, तो उस चक्कर में ना थोड़ा सा ढीला ढीला महसूस होता है, यू नो आई डोंट नो, मुझे खुद को पता नहीं क्या हो रहा है, मैं खुद पे गुस्सा भी आया, चिड़चिड़ा भी मच रहा है, बट क्या कर सकता हूँ, कोई नहीं, तीन सेट तो खत्म की, थोड़ा दर्द थोड़ा दर्द, अब कितने बाकी है, शायद एक दो दो तीन और बाकी है, बताते हैं ख़त्म करते हैं। Alright guys, welcome back, and it's Saturday and right now it's time and today it's leg day and it's just अभी उठा एंड रात थोड़ी बारिश भी हुई, इसके लिए मौसम भी थी ना थोड़ा सा ठंडा है, दैट्स गुड। सो अभी 10 मिनट के बाद आई विल स्टार्ट माई वर्कआउट ऑफ लेग डे, लेग में वही वापस सेम चीज़ मारूंगा मैं, और कुछ नया है नहीं, बट देन ऑल्सो आज लेग है, बस बाय बाय, मीट यू आफ्टर 10 मिनट्स। गैस, सो लेग्स डे ख़त्म हुआ एंड अभी अराउंड अराउंड कुछ 5:30 बज गए, एंड मैं ये बोल रहा था जब लेग्स मारते हो स्क्वाट मारते हैं, जो पैर की मसल जो पेन होती है वो पेन उस टाइम नहीं होती, रात को भी नहीं होती, सुबह उठते तब होती, और जो पेन होता है मतलब कम से कम 4-5 दिन रहता है, पर अच्छा है इधर अच्छा मसल टूटा तो मसल गेन भी होगा। तो मैं क्या बोल रहा था, बस लेग डे ख़त्म हो गया, आज का दिन भी ख़त्म हो गया, 3 दिन ख़त्म हो गए, चेस्ट बैक लेग, सो अब ये मंडे को शायद तक मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज आरसीबी का मैच है, तो आज मैं वो मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि जब जब आईपीएल में आरसीबी का मैच होता है तो मैं बैठ के देखता हूँ, खाली वही देखता हूँ और कुछ नहीं देखता, मतलब मैं मैच में, सो दैट्स इट, संडे को एडिट करूँगा, पता नहीं कब आएगा, अभी आ गया तो आपको पता चल गया होगा, सो बस बाय बाय, सीधा मंडे को मिलते हैं, शोल्डर टाइम।